So hi everyone, namaste, welcome back to my YouTube channel once again. So back again with a new video, and in today's video I'm gonna make a video on what I wanted versus what I bought. So actually ऑनलाइन शॉपिंग नहीं है, क्योंकि लोग वीडियो ऐसे बनाते हैं कि व्हाट आई ऑर्डर्ड वर्सेस व्हाट आई गॉट वाला वीडियो बनाते हैं. लेकिन मैं खुद गया था कालिम्पोंग के स्टोर्स वगैरह में और वहाँ से उठा के लाया मैं सामान. एंड इफ़ यू आर वॉचिंग मी फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, माई नेम इज़ दीपकर एंड आई एम फ्रॉम दार्जिलिंग. सो प्लीज़ डो नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब and also hit that bell icon. So without any further ado, let's get started. Before that, let me take a sip of black coffee. So starting from lower, first of all I'll show you the picture what I wanted, then I'll show you what I bought. Okay, so this is the picture. This is the black cargo baggy pant which I wanted to wear in this Dasera, but sadly I couldn't find the same. So this was the picture. And now what I bought. 3, 2, 1, go. So this is also a cargo, black cargo, but यहाँ पर सिर्फ दो पॉकेट है, वन पॉकेट एंड टू पॉकेट. आई वॉन्टेड अ फोर पॉकेट पैंट्स. इधर भी एक हो, एक इधर भी, एक दो इधर भी, तीन चार पीछे भी. तो पीछे तो होता ही है ऑब्वियसली, ये जो आगे फ्रंट में होता है इसमें मुझे दो पॉकेट वाला चाहिए थे, एक एक लेग में मतलब एक साइड में, लेकिन मुझे बस यही मिला. वो भी ये भी इतना ढूंढा गया, इतना ढूंढा ना, मतलब मैंने अपने आप लोग ने ब्लॉग देख ही लिया होगा कि इतना दौड़ बाकी है, फिर भी मुझे कुछ भी नहीं मिल रहा था. एंड एट द एंड माई मॉम सेड कि अभी तुम्हें नहीं मिलेगा जो तुम्हें चाहिए, तो जो भी खरीदना है जल्द खरीद ही लो, क्योंकि अगर मतलब दसे में तुम्हें कुछ पहनना है तो खरीद लो, ऐसा बोला. तो मैंने सोचा कि मैं मतलब ऐसा इंसान नहीं हूँ कि मैं हड़ताल में कुछ चीज़ खरीदता हूँ, लेकिन इस बार मुझे कुछ नया पहनना था दसे में. वैसे मतलब रोज़ हम पहनते हैं ना दसे पे, और टाइम तो पहनते हैं, लेकिन दसरे में कुछ और डिफरेंट वाइब्स आता है. पहले से रिचुअल्स टाइप का है कि हम लोग दसरे में नया कपड़ा पहन के टीका वगैरह लगाते हैं, तो इसीलिए मुझे नया तो जैसे भी करके खरीदना था दसरे से पहले. लेकिन अगर मैं ऑनलाइन देखता तो फिर उस टाइम पे नहीं आता और कोई प्रॉब्लम्स भी होते हैं, सो इसीलिए मैंने किलन बुक से लिया. सो दिस इज़ द ब्लैक कार्गो. मुझे दो पॉकेट वाला और ये थोड़ा उसमें भी मिला था, थोड़ा और अच्छा वाला मिला था, लेकिन नीचे वाला जॉगर्स था, लेकिन मुझे जॉगर्स वाला बिल्कुल पसंद नहीं है, तो इसलिए मैंने वो नहीं लिया. एंड दिस इज हाउ इट लुक्स. ये पहन के मैं एक साथ आप लोगों को दशहरा के दिन ही दिखाऊंगा, ठीक है. सो बट दिस इज ऑल्सो गुड, क्योंकि मैंने बहुत बार लिटरली लाइक 4-5 स्टोर में देखा होगा, लेकिन मुझे कई बार भी उससे भी ज़्यादा स्टोर में देखा, मुझे नहीं मिला. हाट बाजार में भी देखा मैंने, वहाँ पर भी नहीं मिला. सो दिस इज द फर्स्ट प्रोडक्ट. एंड द सेकेंड थिंग इज गेस व्हाट, ये सेम है, लाइक मुझे जो चाहिए थे वही मिला मुझे. सो दिस इज द ओवरसाइज टी शर्ट, बिकॉज यू नो आई लव ओवरसाइज टी शर्ट्स. मेरे पास बहुत सारा है ओवरसाइज टी शर्ट, ये भी ओवरसाइज ही है, ये भी ब्लैक थे, और मैंने फिर मेरे पास ना ब्लैक 4 या 5 टी शर्ट होगा, लेकिन फिर भी मुझे ब्लैक ही चाहिए, बिकॉज यू नो आई एम ऑब्सेस्ड विद ब्लैक. सो दिस इज द ब्लैक टी शर्ट, ओवरसाइज टी शर्ट. ओके, ये मैंने ट्राई किया था ना, इसीलिए उल्टा पड़ा है. सो दिस इज द ब्लैक ओवरसाइज टी शर्ट, ये भी मैं पहनूंगा. ये स्ट्रेचेबल है और मतलब बहुत अच्छा है, इसका मटेरियल भी बहुत अच्छा है. ये मैंने कालिम्पोंग के लोकल स्टोर से लिया था. आई जस्ट गॉट दिस फ्रॉम लोकल स्टोर ऑफ कालिम्पोंग. एंड दिस इज द ब्लैक टी शर्ट, ब्लैक ओवरसाइज. चलो दिस इज द नेक्स्ट एंड थर्ड में, ये व्हाट आई वांटेड वर्सेस व्हाट आई बॉट हम बोल सकते हैं, क्योंकि मुझे से ये भी ओवरसाइज टी शर्ट ही है. ये मुझे ब्लैक कलर में चाहिए थे, यू नो ब्लैक इज लव. यहाँ पर नारुतो है, सी नारुतो. ये ग्रे कलर पे है, लेकिन मुझे ये ब्लैक पे चाहिए था.
मुझे एक वैसे मेरे पास काकाशी का भी वो है, वो फुल स्लीव में एक टी शर्ट है, आप लोग ने मैंने देखा होगा, अब मैंने बहुत वीडियोस में लगाया है। तो मुझे एक नारुतो वाला टी शर्ट भी लेना था, तो मैंने ये मैंने ऑनलाइन पे देखा था, दो तीन वेबसाइट पे देखा था, सेम था, मतलब ऐसे ही था, स्ट्राइप साइड में स्ट्राइप वाला भी था, ये भी था, लेकिन ब्लैक कलर में देखा था, ब्लैक एंड व्हाइट पे भी था, लेकिन आई मीन ब्लैक भी था अलग से, व्हाइट भी अलग से था, लेकिन मुझे ब्लैक वाला चाहिए था। लेकिन मैंने कालिम्पोंग में इतना धुना, मतलब नारुतो का इतना सारा टी शर्ट दिखा रहे थे वो लोग, ये जो तीन वाला होते हैं ना, जो हमने जो उस पे भी है, बॉन्कर्स में भी है, लेकिन मुझे वो नहीं चाहिए थे, मुझे ऐसे वाले ये स्ट्राइप वाले में चाहिए थे, लेकिन मुझे ब्लैक कलर में नहीं मिला। सो दिस इज़ द नेक्स्ट टी शर्ट, ओवर, ये भी ओवर साइज़ है, ओवर साइज़ ही पसंद है मुझे तो, इसका नीचे भी स्ट्राइप है, सो या अच्छा है ये टी शर्ट भी, लेकिन ये कलर भी अच्छा ही है, ग्रे कलर पे, लेकिन मुझे ब्लैक चाहिए थे। एनीवेज, सो दिस इज़ द थर्ड प्रोडक्ट, एंड नाउ माय पर्सनल पर्सनल आई कैन से फेवरेट, बट या ये तीन तीन चारों में से तो ये अच्छा है मेरे लिए। सो मैंने ऑनलाइन पे 4-5 दिन आगे से देख रहा था कि कन्वर्स देख रहा था, जो अभी डबल सोल वाला आया है, और ऑल्सो वो भी है, प्रिंट वाला भी, बैंडाना प्रिंट वाला भी आया है, वो मैं देख रहा था, मेरे प्राइस वगैरह भी पूछ रहा था, लेकिन लेकिन वो टाइम पे नहीं आ रहा था। तो जब मैंने डिलीवरी के बारे में पूछा तो टाइम पे नहीं आएगा, मतलब 15 to 20 days तो लगेगा बोला था मुझे, तो इतना दिन तो मेरे पास नहीं थे रुकने के लिए, तो मैंने सोचा मैं सिलगुड़ी में भी नहीं मिला मुझे वो, जो ब्लॉग दिखाया था आप लोग ने, उसमें भी नहीं मिला था, कालिम्पोंग में मुझे लगा पक्का मिले, क्योंकि शॉपिक्स भी खुला था कालिम्पोंग पे, तो शॉपिक्स पे तो पक्का होगा सोचा था, लेकिन वो डबल सोल वाला जो ब्लैक वाला था उसका तो मुझे साइज ही नहीं मिला, 42 ऐसा लास्ट साइज ऐसे कुछ आएगा बोल रहे थे, लेकिन मेरा फुट का साइज है 44, इतना बड़ा पैर है मेरा, एंड मुझे कन्वर्स तो मिला था शॉपिक्स पे, लेकिन उसका भी साइज ही नहीं हुआ, लाइक लिटरली इतना छोटा, मतलब जब मैं पहन रहा था तो ठीक ठाक लग रहा था, लेकिन जो टो होता है ना उस पर बहुत टाइट हो रहा था, उस साइड पे टो साइड पे टाइट हो रहा था, तो मुझे लगा ये तो खुलेगा भी लेकिन उतना ज़्यादा नहीं खुलेगा ऐसा लगा मुझे, पता नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरा हिंदी उतना अच्छा नहीं, प्लीज़ समझ के बात समझो, बात मेरा बात का समझो, ठीक है गाइस। एंड हाँ, वो उसका भी मुझे साइज नहीं मिला, बट फिर मैंने बोला कि चलो कोई, मम्मी तो इतना इरिटेट मान रही थी, हमने शूज़ ना लोकल स्टोर में, वो शॉपिक्स वगैरह में, हाट बाजार, इतना इतना धुना, जो क्योंकि मुझे वो डबल सोल वाला ही चाहिए था, कन्वर्स ही चाहिए था ना, लेकिन मेरा साइज ही नहीं हुआ, 42 से ज़्यादा साइज आता ही नहीं हुए बोला वो लोग ने। और एक शॉपिक्स पे एक था कन्वर्स, जो ये मैं आपका फोटो दिखाता हूँ, जो व्हाट आई वांटेड, या ये व्हाट आई वांटेड, सो ये जो पिक्चर है इसका एक साइज अगर बड़ा होता ना तो मैं इतना खुश हो जाता, बट स्टिल आई गॉट समथिंग फ्रॉम शॉपिक्स, लेकिन कन्वर्स नहीं है गाइस। आई ब्रॉट एयरफोर्स नाइक का, सो दिस इज नॉट द वन दैट आई वांटेड, बट स्टिल अब ठीक है यार, इतना इतना मेहनत किया मैंने ढूंढने में, लेकिन फिर भी मुझे नहीं मिला, और मम्मी तो इतना इरिटेट मान रही थी कि अरे यार क्या कर रहे हो तुम, ये इधर भी नहीं हो रहा है तुम्हारा, इधर भी नहीं हो रहा है, ये सब मतलब थोड़ा इरिटेशन से मान रही थी, लेकिन एट द एंड शॉपिक्स पे आके हमने ये वाला ले लिया। सो ये एयरफोर्स नाइक का है, दिस इज हाउ इट लुक्स, एंड ये मेरे पे ठीक ही आएगा शायद, इसका इसका साइज था, मैंने सोचा था कन्वर्स ही ले लूँ, जो ओल्ड वाला है ना, पुराना वाला है ना, वही ले लूँ, सोचा फिर अरे यार मुझे वो तो पसंद ही नहीं है, मुझे तो नया वाला कन्वर्स चाहिए था, तो ऐसे सोचा चलो अभी मतलब 2-3 महीने 3-4 महीने के बाद तो कहीं ना कहीं से साइज आएगा ही होगा, जैसा लगा ना, क्योंकि मैंने वहाँ पर भैया को पूछा था, तो जो व्हाइट वाला व्हाट आई वांटेड पे अभी मैंने दिखाया था वो पिक्चर, ऐसा वाला साइज है लेकिन अभी हमारी स्टॉक पे स्टोर पे नहीं है, ऐसे कुछ बोला वो लोग ने, तो मैं चलो नेक्स्ट टाइम ले लेते हैं, तो अभी के लिए मैंने ये नाइक का एयरफोर्स लिया, सो आई होप आप लोग का ये जूता पसंद आया, मुझे भी ठीक ठाक लगा, ये अच्छा ही है, मतलब ये इट गोज विथ ब्लैक वाइट और कलर से भी जाएगा, लेकिन यू नो व्हाट आई वांटेड वाज कन्वर्स,
एनीवे गाइस, दिस वाज इट. आप लोग को पता चल गया होगा कि मुझे क्या क्या चाहिए था और मुझे क्या क्या मिला, मैंने क्या क्या लिया. मेरा कॉफ़ी भी ठंडा हो गया. तो ये था मेरा व्हाट आई वांटेड वर्सेस व्हाट आई बॉट. सो आई होप आप लोग का भी ये वीडियो अच्छा लगा होगा, क्योंकि अच्छा तो क्या लगा होगा, अच्छा लगा प्लीज़ कमेंट कर देना आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा कि नहीं लगा. तो मुझे तो बनाने में थोड़ा मज़ा ही आया, क्योंकि हम इतना 2 दिन से मैं काम कर रहा था, 2 दिन से मैं बना सोच रहा था कि मैं आज वीडियो बनाऊंगा, आज वीडियो बनाऊंगा. कल भी 6-7 बज गया काम करते हुए, आज थोड़ा जल्दी हो गया इसलिए मैं आज बैठ लिया. तो आई एम सुपर एक्साइटेड फॉर दिस अपकमिंग वीक, अपकमिंग डेज, क्योंकि और तगड़ा तगड़ा वीडियो आए, तगड़ा तगड़ा. थोड़ा तोतला बोलता हूँ मैं गाइस, सॉरी, मजाक कर रहा हूँ थोड़ा थोड़ा, कभी कभी टॉन्ग स्लिप हो जाता है ऐसा. एनी वेज, थैंक यू फॉर वॉचिंग. अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया तो यू नो द ड्रिल, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, लाइक कमेंट भी कर देना गाइस. आजकल कमेंट ही नहीं करते हो आप लोग. एंड वन मोर थिंग गाइस, मुझे पता है कि आप लोग मुझे मेरा मुखबांग वीडियो बहुत मिस कर रहे हो, मुझे पता है, क्योंकि आजकल मेरे वीडियो में व्यूज ही नहीं आता है. आप लोग मुझे प्यार ही नहीं करते हो यार, क्या कर रहे हो यार. मेरे ब्लॉग्स को भी पसंद करो गाइस, और मैं मुखबांग वीडियो जल्दी लाऊंगा. सोच रहा हूँ कि एक एक वीडियोज लेके आऊंगा, मतलब हफ्ते में एक एक बार तो मुखबांग करके ही रहूंगा ऐसा सोचा है. ऑल्सो दशहरे के दिन में जो हमारे घर में स्पेशल दशहरे के खाना पकते हैं, उसका भी मैं स्पेशल स्पेशल मुखबांग वीडियो करूंगा. ओके गाइस, ज़्यादा बात इधर लंबा ना करते हुए आज का व्लॉग यहीं पर ख़त्म करते हैं. ब्लैक बाय द वे, दिस इज ऑल्सो ओवर सेट ब्लैक. मेरे पास ब्लैक टी शर्ट बहुत है, फिर भी मुझे ब्लैक ही चाहिए. एनी वेज, बाय गाइस, यू ऑल इन माई नेक्स्ट वीडियो. बाय.